इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद गौसी नियाजी को भारत वापस लाया गया। साउथ अफ्रीका से उसे डिपोर्ट करवाकर भारत लाया गया। 2016 में बेंगलुरु में आरएसएस नेता की हत्या हुई थी, तब से ये फरार था और अब एनआईए ने इसका प्रत्यर्पण करवा लिया है। गौसी नियाजी पीएफआई का आतंकी है, मोस्ट वांटेड था और इस पर 5 लाख रुपए का इनाम था और अब इसे गिरफ्तार करके भारत लाया गया है। हत्या के आरोप में यह फरार था गौसी, मोस्ट वांटेड आतंकी का प्रत्यर्पण, अब भारत ये आ चुका है, इसको एनआईए की टीम लेकर आई हुई है और 5 लाख रुपए इसके सर पर इनाम घोषित किया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद गौसी नियाजी को भारत वापस लाया गया है और इसको साउथ अफ्रीका से डिपोर्ट करवाकर लेकर आया गया है वतन। 2016 में बेंगलुरु में आरएसएस नेता की हत्या हुई थी, तब से यह फरार था।